हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ऑनलाइन क्लासेस से अपने स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हम पढ़ते हैं साइंस के बारे में, और साइंस की हमने तीन ब्रांच पढ़ी हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी है। सेम एज इट इज़ फिजिक्स की भी कुछ मेन ब्रांचेज हैं, और उन्हीं मेन ब्रांचेज में हमारे पास जो सबसे पहली ब्रांच है उसका नाम होता है मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स को भी हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, मॉडर्न मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एट्सेट्रा। तो उन्हीं ब्रांचेज में से एक ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यदि हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम बेसिकली चार्ज को स्टडी करेंगे। तो स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब बात आई कि भाई चार्ज को एक बार ही हम रेस्ट पोजीशन पे स्टडी करेंगे, और उसके बाद फिर हम चार्ज को जब मोशन में आ जाएगा चार्ज उस टाइम पे स्टडी करेंगे। तो जब चार्ज रेस्ट पोजीशन में होता है तो हम उस ब्रांच को कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक ब्रांच होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम चार्ज को स्टडी करने वाले हैं एट रेस्ट पोजीशन। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट पोजीशन, मीन्स चार्ज एट रेस्ट पोजीशन को हम स्टडी करेंगे। उसके बाद जब हम चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके होंगे, पोटेंशियल पढ़ चुके होंगे, कैपेसिटेंस जब हम पढ़ चुके होंगे, मीन्स चार्ज को जब हम रेस्ट पोजीशन पे कंप्लीट स्टडी कर चुके होंगे, उसके बाद फिर हम चार्ज को मोशन में स्टडी करेंगे। और जैसा कि आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, चार्ज इन मोशन मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। इसका मतलब सेकंड जो हमारी यूनिट रहेगी वो करंट के ऊपर बेस रहेगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आपने पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 10th क्लास में ही, कि जब किसी वायर या कंडक्टर के अंदर से हम चार्ज को फ्लो करवाते हैं, करंट फ्लो करता है, तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, लाइक ए बार मैग्नेट, लाइक ए मैग्नेट, मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर हम चार्ज को एक्सेलरेटेड मोशन में पढ़ेंगे, और हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी करेंगे। तो टोटल हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रहेगा ये। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हम पहली ब्रांच को स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यदि हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, वन इज इलेक्ट्रो एंड अदर इज स्टैटिक्स, देन इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड स्टैटिक्स मीन्स एट ए रेस्ट पोजिशन। आई थिंक रेस्ट पोजिशन के बारे में तो आप सभी को पता होगा कि हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजिशन पे कब कहते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ साथ चेंज नहीं करता है। इफ़ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट पोजीशन। तो रेस्ट को तो हम स्टडी नहीं करने वाले हैं, मेनली हमें इस चैप्टर में पढ़ना है चार्ज के बारे में, कि व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज को हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब आपको पता चल गया होगा कि फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्ज को स्टडी करने वाले हैं, और वो भी रेस्ट पोजीशन के ऊपर। तो मेन हमारा कॉन्सेप्ट आता है चार्ज का, कि चार्ज क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चार्ज का कॉन्सेप्ट है वो फर्स्टली जो दिया गया था वो अराउंड 600 BC, बी सी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से 600 ईयर पहले ही चार्ज के कॉन्सेप्ट को दे दिया गया था। और उसके बाद अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार चार्ज के बारे में हमें क्या बताया, तो वो देख लीजिए। उन्होंने हमें बताया कि चार्ज एक इनट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब सबसे पहली बात तो यही आ गई कि व्हाट इज इंट्रिंसिक, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती हैं, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, जिनको डिफाइन करने के लिए हमें किसी का ज़रूरत नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने 11th क्लास में स्टडी किया है मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर एट्सेट्रा आर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, जिनको डिफाइन करने के लिए हमें किसी दूसरी क्वांटिटीज़ की हेल्प नहीं लेनी होती है, तो उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक।
तो चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो हम आपको समझाना चाहें कि भाई मास क्या है, मास से आगे क्या है, तो हम नहीं बता सकते मास से आगे क्या है, कुछ नहीं है, मास तो खुद एक इंडिपेंडेंट चीज़ है। तो ऐसे ही चार्ज से आगे क्या है, तो चार्ज से आगे कुछ नहीं है, चार्ज खुद एक इंडिपेंडेंट चीज़ है। तो चार्ज एक इनट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली सबसे पहले डेफिनेशन में ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि चार्ज क्या है। तो चार्ज एक इनट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कोई भी बॉडी होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और जैसे कि आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ स्टडी भी की हैं, लाइक इनर्शिया हमने 11th क्लास में स्टडी किया है, तो ऐसे ही चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल जैसे हम मास को ही डिफाइन करें, चलो हम मास से ही लेके चलते हैं कि जो मास है, आपसे कोई पूछ ले कि भी बताओ मास की डेफिनेशन क्या है, तो जनरली हम छोटी क्लास में तो ऐसा बोल देते हैं कि मास इज़ द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ मैटर इज़ नोन एज मास। लेकिन मास को अब हम इस लेवल पे कैसे डिफाइन करेंगे कि मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है। मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, और इस ऑब्जेक्ट के पास यदि मास नहीं है, इसका मास जीरो है, तो अर्थ इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा पाएगा। अर्थ यदि ऑब्जेक्ट ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि ऑब्जेक्ट ए के पास एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी का नाम है मास। तो आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि मास क्या है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन एग्जर्ट और इट कैन एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा भी सकता है और ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस भी कर सकता है दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाई गई। सेम एज इट इज चार्ज क्या है, जैसे हमने मास को पढ़ा ना, ऐसे ही चार्ज भी क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट का। और इस प्रॉपर्टी की वजह से एक ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, जैसे मास की वजह से तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता था, ऐसे ही जब चार्ज आ जाता है किसी ऑब्जेक्ट के पास, जब ये प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट के पास आ जाती है, तो वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा सकता है, या हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स को लगा सकता है, मीन्स एग्जर्ट कर सकता है, और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स को वो एक्सपीरियंस भी कर सकता है। तो हम कहेंगे चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने एक प्लास्टिक पेन ले लिया, अब और एक हमने छोटा सा पीस ऑफ पेपर ले लिया है, हम देख रहे हैं कि वो पेन उस छोटे कागज के टुकड़े को ना अट्रैक्ट कर रहा है, ना रिपेल कर रहा है, किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। अब हमने सिंपल क्या करना है, उस पेन को ड्राई हेयर के साथ रब करना है। जब हमने उस पेन को ड्राई हेयर के साथ रब किया, तब हम देखते हैं रब करने के बाद, अब वो जो स्मॉल पीस ऑफ पेपर थे हमारे पास, अब वो पेन उन स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब उस पेन के पास अब कोई ना कोई प्रॉपर्टी आ गई, जिसकी वजह से वो उन पेपर पीस के ऊपर फोर्स लगा पा रहा है, पहले उसके पास वो प्रॉपर्टी नहीं थी। तो अब हम क्या कहेंगे, उस पेन के पास वो प्रॉपर्टी आ गई, और उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, चार्ज। अब बात करेंगे ये कि भाई रब करने से ऐसा क्या हुआ कि वो पेन उन स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लग गया। रब करने से पेन के पास जो चार्ज प्रॉपर्टी आई, वो किस वजह से आई, तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है एटम के बारे में, एटम से रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट आए, जेजी थॉमसन आया हमारे पास, अर्नेस्ट रदरफोर्ड आए, नील्स बोहर आए, अरविंद स्क्रोडिंगर आए, सभी ने एक बात कॉमन ये बताई थी कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके पास जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, मीन्स चार्ज बैलेंस है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो नंबर है वो इक्वल होता है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को बैलेंस किए हुए है, मीन्स ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। अब कोई भी बॉडी चार्ज्ड कब होगी, तो सिंपल सी बात है, मान करके चलिए किसी ऑब्जेक्ट के पास, हमारे पास 10 प्रोटॉन हैं और 10 ही इलेक्ट्रॉन हैं, मीन्स चार्ज बैलेंस है, नेट चार्ज जीरो है, मीन्स वो न्यूट्रल है। यदि ये जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, उनका जो नंबर है वो इम्बैलेंस हो जाए,
या तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाए या इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोटॉन तो 10 ही रहें और इलेक्ट्रॉन 9 हो जाए, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया जाए, तब हमारे पास क्या होगा, प्लस 10 माइनस 1, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 1, मीन्स 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। और यदि हम वहाँ देखें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि ज़्यादा हो जाती, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएँ, इलेक्ट्रॉन तो मान लीजिए वहाँ पे 10 हैं और प्रोटॉन वहाँ पे यदि 8 हो जाएँ हमारे पास, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन उसने, सॉरी एक सेकंड, हम यहाँ ये एग्जांपल नहीं लेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि प्रोटॉन तो हमारे पास 10 ही रहें, प्रोटॉन के लिए मैंने प्लस लगाया है, इलेक्ट्रॉन के लिए हम माइनस यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन यदि उसके पास मान लो 12 हो गए, मीन्स उसने 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लिए हैं, अब उसके ऊपर चार्ज कितना होगा, प्लस 10 माइनस 12 माइनस 2 यूनिट चार्ज आ गया, मीन्स 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर। मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है, मीन्स उसके पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो जाए इलेक्ट्रॉन का, या उसके पास डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए, तब हम क्या कहेंगे, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आ जाएगा। यदि उसके पास एक्सेस हुआ है इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और उसके पास डिफिशियंसी हुई है तो पॉजिटिव चार्ज। और रब करने से किस प्रकार उसके पास इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता है या डिफिशियंसी होता है, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे, दैट इज मेथड ऑफ चार्जिंग में, जो हमारा पहला मेथड रहेगा, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन। यहाँ हमने आपको एक बार एक्सप्लेन करके दिखा दिया है कि ये एटम है और एटम के अंदर में हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़े हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन तो बेसिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर तो कैसा भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है, और उस इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से उस एटम से इजेक्ट करवा सकते हैं और एक्स्ट्रा भी उसको दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रहे, हम प्रोटॉन की संख्या को चेंज नहीं कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन की संख्या को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि चार्ज की इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी क्या है। इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी में हम स्टडी करते हैं, जैसे कि चार्ज के बारे में, चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें दिया था, लेकिन चार्ज का टाइप क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, मीन्स टू टाइप ऑफ चार्ज को शो करके दिखाया था ड्यूफे ने। और ये जो ड्यूफे थे, ये कोलैबोरेटर ही थे बेंजामिन फ्रैंकलिन के, उन्हीं के साथ काम करने वाले साइंटिस्ट थे जिन्होंने टू काइंड्स ऑफ चार्ज को शो करके दिखाया था। अब देखिए चार्ज की इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी क्या है। चार्ज की इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी में बताया गया है कि अनलाइक चार्ज, अनलाइक का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, या एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, मीन्स अनलाइक जब चार्ज होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और यदि लाइक चार्ज हैं, मीन्स पहला यदि पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव, और पहला नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव, यदि लाइक चार्ज हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मीन्स उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, और यदि अनलाइक चार्ज है तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो दिस इज द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। और हम आपको बता चुके हैं इन सब बातों के बारे में, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब डिफिशियंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, और नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगा प्रोटॉन की कंपैरिजन में। अब बात करते हैं वैल्यू की, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू की। जो चार्ज है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज यदि मैं कहूँ, सबसे छोटा जो चार्ज है, जो इंडिपेंडेंट चार्ज है, वो है हमारा 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम। दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, इसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम बात करें प्रोटॉन के चार्ज की, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन लग जाएगा, और जब बात की जाए इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, तो इस वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन लग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर है और प्रोटॉन के प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब एक बार हम बात कर लेते हैं मास की भी, पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन
और नेगेटिव चार्ज जो कि हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास प्रोटॉन, उसका मास होता है 1.6 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है 9.1 × 10⁻³⁹ किलोग्राम। जब हम एक बात और ध्यान से सुन लीजिए आप, जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया होगा या इलेक्ट्रॉन आया होगा, तब हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मास को कंसिडर करेंगे। अब तो मैं सिर्फ आपको वैसे ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के मास की वैल्यू वैसे ही बता दी है, ये कहीं कंसिडर नहीं होगी, वैसे बेसिकली आपकी नॉलेज के लिए बात बता दी गई है। हमारे पास जो यूज होने वाला है वो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही यूज होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कब आया है, जब इलेक्ट्रॉन चला गया है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो भी हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टडी करेंगे। नेगेटिव चार्ज कब है, जब इलेक्ट्रॉन आ गया है मीन्स एक्सेस हो गया है इलेक्ट्रॉन का, तो भी हम नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन के मास की ही बात कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का मास जरूरी है और इसकी वैल्यू है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। एंड जो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये फिजिक्स में, इस फिजिकल वर्ल्ड में स्टडी किया जाने वाला सबसे छोटा मास होता है। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा बेसिकली इतना ही, और इसकी जो PDF है वो भी आपको सेंड कर दी जाएगी, जिससे आप अपना नोट्स फेयर कॉपी के अंदर में कंप्लीट कर लें, और इस वीडियो से आप यहाँ तक के टॉपिक को कंप्लीट तैयार कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और ऑनलाइन क्लासेस से अपने स्टडी करते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।